वेलकम टू एसएससी मेडिज। एसएससी सीजीएल 2017 कोर्ट केस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हाल फिलहाल मैं दिल्ली के एक बड़ी खूबसूरत बड़ी गुप्त एक जंगली बीहड़ में बैठा हुआ हूँ, और जो जंगल की खूबसूरत होती है वो शहर की चकाचौंध की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बात करें एसएससी सीजीएल 2017 कोर्ट केस की, तो आपको पता है कि जो कमेटी का बनाने का डिसीजन लिया गया था, और कैंसिलेशन और नो कैंसिलेशन का डिसीजन भी कमेटी को दिया गया था, और कमेटी को कहा गया था कि 3 महीने का टाइम है उनके पास, जून जुलाई और अगस्त। इन 3 महीने को महीनों में कमेटी को उसकी रिपोर्ट देनी होगी, और जो अगस्त या सितंबर में या अगस्त के लास्ट में इसकी हियरिंग होगी। लेकिन एक नई चीज़ कोर्ट केस में सामने ये आती हुई कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 1 जुलाई रख दी गई है। अब कमेटी की बैठक हो गई है या नहीं हुई है, कमेटी ने डिसीजन क्या लिया है, और कमेटी में या कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं कोर्ट केस में, इसके बारे में कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गुप्त इन्फॉर्मेशन है। ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं और जो लोग इसमें हैं लगे हुए हैं उनको ही पता होगी। इसके बारे में जनहित में कोई भी चीज़ दायर नहीं की गई, लेकिन जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 1 जुलाई है। हो सकता है कमेटी ने उसका डिसीजन ले लिया हो, हो सकता है कुछ नए चीज़ों के बारे में खुलासा करने के लिए, नई कोई परमिशन लेने के लिए ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी गई हो, मतलब डेट जो प्रीपोन कर दी है। पहले जो डेट थी वो सितंबर में थी। और अगर बात करें जो इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आई, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्रूफ्स रखे गए हैं, ऐसे कुछ प्रूफ दिए गए हैं कमेटी के सामने, जिससे मतलब कैंसिलेशन तो 100% फिक्स ही एसएससी सीजल 2017 का। माना कि कुछ लोगों के मन में डाउट है कि जब स्टे कैंसिल होगा नहीं क्योंकि स्टे हटाया जा चुका है, वो एक अलग मैटर है। वहाँ पर स्टे इसलिए हटाया गया था क्योंकि जो हमारे जो प्रशांत भूषण सर की तरफ से जो उनके जूनियर वकील थे, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन उसके खिलाफ रेस नहीं किया था, इसके कारण से स्टे को हटा दिया गया था। और जहां तक बात करें कैंसिलेशन की, तो कैंसिलेशन होगा और कैंसिलेशन होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजल 2018 में क्या हुआ। पहले दिन अजय नाम के लड़के के 100 से ज़्यादा एडमिट कार्ड वायरल हुए हैं, 100 फॉर्म भरे थे उसने, 100 सिम कार्ड लेकर 100 ईमेल आईडी बनाकर, कितना हेक्टिक काम है आप समझ सकते हैं। दूसरे दिन वापस एक संदीप नाम के लड़के का 100 से ज़्यादा एडमिट कार्ड उसके भी पकड़े गए हैं। तो जिस तरह से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 में 700 से ज़्यादा एडमिट कार्ड पकड़े गए थे, सचिन चौहान का केस था, ऐसे बहुत से लोग थे, और वही सेम चीज़ रिपीट होती हुई एसएससी सीजीएल 2018 में। आखिर ऐसा कितना बेहुदा सिस्टम है एसएससी का, जो एक ही इंसान अलग अलग फ़ोटो अप्लाई करके या एक ही फ़ोटो रखकर सेम सिग्नेचर के साथ बार बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 100-100 फॉर्म भर देता है। मतलब ये एसएससी के सिस्टम में ही खामी है, और इसीलिए कई बार कहा जा रहा था कि जब तक रिफॉर्म ना हो जाए, जब तक एक स्पेसिफिक चीज़ें सामने ना आ जाएँ कि किस तरह से एसएससी की एग्जामिनेशन कंडक्ट करानी चाहिए, तब तक एसएससी सीजल 2018 एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने, एसएससी ने अपनी मनमानी करते हुए एसएससी सीजल 2018 एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया, और उसका जो खामियाजा है वो आपके सामने दिख ही रहा है कि किस तरह से मास लेवल पर जो एसएससी सीजल 2018 में भी जो इस तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया है, उसमें भी अनियमितता पाई गई है। पहले पेपर टफ आया और लास्ट के शिफ्ट में पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया। इसका खामियाजा ये होगा कि जिस तरह जिनका लास्ट की शिफ्ट में पेपर आया, जिनको आसान शिफ्ट मिली है, उनको जो मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, और हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनका टफ शिफ्ट में आया उनके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन जो ईजी शिफ्ट का फ़ायदा है उसके कंपैरिजन में जो नॉर्मलाइजेशन का टफ शिफ्ट का फ़ायदा है वो बहुत ही कम है। आपके मार्क्स बढ़ के 20 या 30 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जिनका आसान शिफ्ट में आया, जो लोग 90-90 अटैम्प्ट करके आए हैं, अगर उनके 160-180 आ रहे हैं, 160 से 180 के बीच में आ रहे हैं, और एक बंदे का जिसका टफ शिफ्ट में आया है उसका 110 या 120 आ रहा है, तो बढ़ के उसके 20 या 25 नंबर बढ़ेंगे, तो आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते जिनका ईजी शिफ्ट में पेपर आया है। तो ये सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। अब ये पेपर सेट टीसीएस करता है, अब इसमें एसएससी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इन लोगों ने सारे पेपर क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम क्यों नहीं रखा, और जो एग्जाम जो क्वेश्चन के पैटर्न थे लास्ट में मैथ्स के, उसको भी चेंज नहीं किया गया, खाली वैल्यू बदलकर सारे के सारे क्वेश्चन को दे दिया गया। इससे हुआ क्या, जितने भी यूट्यूब पर एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप वीडियो देख लें 2-3 दिन के 2-3 शिफ्ट के, तो आसानी से आप 25 में से 25 क्वेश्चन 15 से 17 मिनट में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये सब इजी शिफ्ट वालों को फ़ायदा मिला है। तो यही सेम चीज़ें जो सेम कहानी थी एसएससी सीजीएल 2017 में, वही सेम कहानी एसएससी सीजीएल 2018 में रिपीट होती हुई दिख रही है। और इसका खामियाजा क्या होगा, मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र अब पूरा का पूरा मामला जो एसएससी में अगर कोई सुधार होता है तो वो उस कमेटी की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को अगर आपने नहीं दबाया उसको दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।